पूछ रही हूँ, बोलो ना, बोल। क्या जीजू, इसने तो हमें झटका ही दे दिया। जरीना, तो तुम ही हो वो अफ्रीका वाली? कैसी हो, अच्छी हो? अच्छी हूँ। करिकालन, ये हुई ना बात, तुम्हारा नाम लेने की हिम्मत सिर्फ जरीना में ही है। मेरी दीदी सेल्वी भी तुम्हें काले ही बोलती है ना दीदी? कब आई? कुछ खाना पीना खाया कि नहीं? सब ठीक है ना? क्या हुआ, क्यों जीजू लड़खड़ा क्यों रहे हो? आराम से, आराम से। देखो दीदी ने चाय ले लिया। कॉफी, कॉफी, कॉफी लेकर। अच्छा कॉफी, मतलब भूले नहीं हो वाली अप्पा। दीदी ए, चल चलो अंदर, तुम भी आओ। ठीक है दीदी। ए चलो, सब लोग अंदर चलो, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। अब तो दीदी ने भी कह दिया, चलो ए तुम आ जा, गाड़ी वाड़ी साफ कर। दीदी मेरे लिए भी एक कॉफी बनाना। जीजू तुम बातचीत शुरू कर दो। ए चलो अंदर अंदर चलो, जा जा के क्या देखो, मेरे दोस्त बात नहीं की। करिकालन, इट्स सो नाइस टू सी यू, इट्स बीन सो मेनी इयर्स एंड यू लुक वेल। वाह, तुम्हें बोलना आता है? तुम बोलती हो ये जानने में मुझे बरसों लग गए। और बताओ तुम ठीक हो ना? अब यहीं पर रहने वाली हो क्या? क्यों, मुझे वापस भेजने के? आई एम गोइंग टू बी हियर। धारावी में ही मेरा काम है, टेंडर के लिए बिल्डर से मिलना है। आई नीड योर हेल्प। अच्छा काम हो तो मैं हमेशा साथ हूँ। अरे हाँ, लेनिन तुम्हारे साथ है ना? लेनिन बहुत सपोर्टिव है, अच्छी परवरिश की है, बहुत एक्टिव, ब्रेव, तुम्हारी तरह। सजना सजना, तू मेरी बरखा, जिस चोट ने हमको तोड़ा हुआ है, पानी ने मरहम शक्कर थोड़ी कम ही डाली। कम क्यों डाली है, ज्यादा पीती। अरे जी क्या कर रहा है, यानी शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल। 30 साल बाद भी सब कुछ याद है। दिस कॉफी इज वेरी नाइस, सॉरी कॉफी अच्छी है। नो 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 नो, आई नो इंग्लिश, थैंक्स। नो मेंशन। दीदी इधर आ जाओ, क्यों गलत टाइम पर मजाक कर रही हो? आ जाओ। क्या रे, क्या हुआ? पुराने आशिक मिले हैं, बात करने को बहुत कुछ होगा, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन चारुमती। ए तूफानी देख, बुला रहे हैं। तूफानी बोलने पर ये सुनती है, रुकिए खा कर जाना। नहीं, नहीं। बेटी वेट करी होगी, संभाल दे। अच्छा चले, आते जाते रहना, जीजू को अच्छा लगेगा। चलती हूँ करिकालन, I'll see you. लेनिन भांजे, दीदी तू डर मत। पता नहीं लोग इसे कैसे पी लेते हैं। पता है ना, तो खाली पीले काय को पीता है। सुनो तो दीदी, उस वक्त यहाँ पर दलदल हुआ करता था। तिरुनलवेली से जब लोग काम की तलाश में यहाँ आते तो वेंगई आगे बढ़कर उनकी मदद करते, वो यहाँ पर सब कुछ थे। 4 बांस तालपत्री, इसके बाद आधी दीवार आधा पत्रा,
आज जो ऐसे रह पा रहे ना, उसकी वजह है तुम्हारे दादा वेंगई। हमेशा ही जमीन पर कब्जे को लेकर मटमट होती थी। और ये है ना हरी, महान नेता। तब वेंगई की पांव की धूल भी नहीं था, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ उसके सर पर था। जमीन साफ करके लोगों को घर बनाते वो देखता रहता, और जैसे ही घर बना वो उनको हटाने लगता। वीर थे वेंगई, छोड़ा नहीं। बाहर से आए हर आदमी ने उनका साथ दिया। फसल काटने वाले को हसिया उठाने के लिए कहना पड़ता है। हरे दादा कुछ नहीं कर पाया। धारावी को अपनी मुट्ठी में रखा वेंगई ने, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी बात इंदौर ने इमरजेंसी लगा दी। उसी के आड़ में पुलिस लेकर आ गया हरी दादा। जान बचाने के लिए काला और वेंगे दोनों अयूब के घर में घुस गए। आज की तरह उस समय बिजली नहीं थी। उस अंधेरे में एक लालटेन लेकर काला के सामने जब खड़ी हुई जरीना, तो वाह 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 वाह, मेरा दोस्त चारों खाने चित। मतलब देखते ही आके फटी की फटी रह गई होंगी। एकदम फटी की फटी रह गई। दीदी, अरे उस समय SIWS जूनियर कॉलेज बस ओपन ही हुआ था। मेरा कॉलेज बालवाड़ी चौल में पानी भरते समय गणेश मंदिर के टॉयलेट के पास, और वो अरोड़ा थिएटर उसके पीछे दीवानों की तरह घूमता था। भीमा चौल के अयूब की बेटी मुझसे प्यार करती है, ये बात फैल चुकी थी। और एक दिन बाद घर तक पहुंच गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे पेरेंट्स रिश्तेदार हमारे प्यार के लिए इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। और करिकालन के साथ मेरी लाइफ इतनी आसानी से शुरू होने वाली है, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। हमारा निकाह फिक्स हो गया था। लेकिन इस धारावी पर अपना कब्जा करने के लिए ये है ना हरी दादा, कैसे भी करके वेंगैया का खून करने की कोशिश में था, और मौका देख करके काला की शादी में घुस गया। जो इंसान उसे दिखाई दिया उसे काट डाला। अब क्या करें, कैसे रोके, हमारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। काला की आंखों के सामने हरी दादा ने वेंगई को भी काट डाला। शादी का मंडप जलकर राख हो गया। उस आदमी हमेशा के लिए जुदा हो गए अपने काला और जरीना मैडम, और हमारा सपना टूट गया। करिकालन के साथ क्या हुआ ये जानने में ही कई साल लग गए। दंगे से डरकर नाना नानी मुझे नासिक ले गए। अब उस वक्त में मैं क्या ही फैसला ले सकती थी। वहाँ के एक प्रीस्ट ने मुझे US पढ़ने के लिए भेजा। दंगे को वजह बताकर काला को तड़ी पार करवा दिया। पता नहीं चला कि उसे अगवा करके कहाँ रखा गया। वापस आकर जब जरीना का पता ठिकाना नहीं मिला तो वो उदास हो गया। पता नहीं क्यों और कैसे, पर तब की रखी दाढ़ी आज तक नहीं बनवाई। ये सब जाने बिना मैं इधर आ गई। जब देखो दर्द भरे हिंदी गाने तेरे मेरे बीच में चला के पड़े रहने का, मैं ऐसे कैसे छोड़ देती। मैं भी उसके सामने इलायराजा के गाने लगा देती थी। जरीना नाम मुंह से निकलता तो जरा इधर उधर करके फिर से संभालने लगते। मैं सोचती यही मेरी किस्मत है। मतलब पापा तुमसे प्यार नहीं करते थे? जा ना, जा जाकर अपने पापा से पूछ। ये सेल्वी नहीं तो तेरे पापा भी नहीं। सासू माँ, मुझे तो लग रहा है उन्हें फिर से जरीना से प्यार हो गया है। संभल कर। हाँ तो होगा नहीं क्या, माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है वो। अरे छोड़, दीदी की तरह थोड़ी है। अंदर आओ जरीना। नहीं, थोड़ा काम है। लेनिन। लेनिन ना, रुको अभी बुलाता हूँ। ए लेनिन, कहाँ चला गया ये? ए लेनिन, क्या हुआ? कहाँ चला गया ये लड़का? किधर है? किधर है? कहाँ कहाँ है? बुलाओ उसे। ए हुआ क्या? नीचे आ, जरीना वेट कर रही है। जरीना वेट कर रही है रे, चल जा जल्दी। आइए मैडम। क्या क्या हुआ? मैं बस तैयारी हो रहा था। ये इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? बारिश आने वाली है। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है, चलिए मैडम।